नमस्कार, मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के जो टाइप्स हो रहे हैं कॉरपोरेट्स के साथ, उसके साथ ये वीडियो आज टेक्निकल एनालिसिस पे बन रहा है। ट्रेड स्मार्ट करके जो कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी है, उसके साथ का ये वीडियो है। ये उन्हीं का सॉफ्टवेयर है और हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही निफ्टी ने इंट्राडे चार्ट में निफ्टी सुबह ऊपर गया था और अभी वापस नीचे आ गया। और आप देख सकते हो इंट्राडे चार्ट में ये इनके सॉफ्टवेयर में ही चार्ट बनाया है। एक बहुत बढ़िया पैटर्न अभी यहाँ पे बना है कि एमएसीडी ने जस्ट सेल का सिग्नल दिया है, एमएसीडी ने जस्ट सेल का सिग्नल दिया है, तो आप इसको एक एंट्री पॉइंट करके कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग सबको नहीं जमता है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है और अगर आपको समझना है कैसे होता है तो ये एक 1 मिनट का चार्ट है। कई बार लोग बोलते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं होती है, मिनिमम 5 मिनट्स का चाहिए, वो आपके ऊपर रहता है। लेकिन अज्यूम करते हैं कि अभी अगर आप यहाँ पे एक पोजीशन लेते हैं, अगर अभी एक शॉर्ट की पोजीशन, एमएसडी ने सेल का सिग्नल दिया है तो ये लॉन्ग की तो पोजीशन नहीं बनेगी, तो आप और फ्यूचर्स में आप एक 10 पॉइंट 15 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो दैट इज़ सफिशियंट। अगर आप इंट्राडे की बात करते हैं तो पोजीशंस अगर आप ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, फिर उसको हेज करने के लिए शॉर्ट फ्यूचर्स के साथ लॉन्ग कॉल वगैरह, वो थोड़ी अलग बात हो जाएगी। पर पहले समझने के लिए कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तब ये एक शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे दिया है एमएसीडी ने। अगर आप इसको ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर ये बाकी सारे मूविंग एवरेजेस हैं और इनके सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे जो अलाउड है टेम्परेचर, जैसे एक ये हमने पहले से बना के रखे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके लिए। जैसे सिर्फ अगर आप एमएसीडी का टेम्पलेट चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बन सकता है जो कि हमने बनाया है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये निफ्टी के जो 1 मिनट चार्ट में 3, 8, 21, 50 और 200 ये सारे एमएसीडीज बने हुए हैं। और यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि निफ्टी बार बार कैंडल, हर एक 1 मिनट का कैंडल ये ऊपर जाके किसी न किसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट करके नीचे आ रहा है। दैट मीन्स मंदी है, दैट मीन्स ब्रीच नहीं कर पा रहा है, और इसलिए सेल का सिग्नल जब देता है तब शॉर्ट करना, यानी दो कन्विक्शन लेवल आ रहे हैं। एक एमएसीडी पे शॉर्ट आ गया जो हमने अभी देखा, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 50 मिनट मूविंग एवरेज से भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी मार्केट नीचे आ रहा है। तो जनरली स्पीकिंग जब आपको हम इसके बाकी के भी चार्ट देखेंगे जैसे डेली, वीकली, मंथली, पर क्योंकि अभी ये बनते बनते बना इसलिए यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट यहाँ से किया। इनके सॉफ्टवेयर में और भी कई सारे फीचर्स हैं पर दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। तो लेट अस जस्ट एक अपने डिस्कशन के लिए पकड़ के चलते हैं। अज्यूम करो फाइल, ये टेम्पलेट्स आप अपने हिसाब से बना के रख सकते हो, आपको जो बनाना है। हमें EMA और MACD दोनों चाहिए। तो MACD ने सेल सिग्नल यहाँ पे दिया है और अभी क्या लेवल है निफ्टी का, आप पकड़ के चलो ये वाला है आपका 9043 है, यहाँ पे लिख के आ रहा है 9044। तो अज्यूम करो आप 9044 पे शॉर्ट करते हो। अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, जो आपका ये 21 मिनट मूविंग एवरेज है। अच्छा, यहाँ पे दे यार आप देख भी सकते हो, दिस इज इट। सो यहाँ पे आपको सब लेवल्स भी दिखते हैं कि कौन से लेवल पे क्या है। सो राइट नाउ अगर हम यहाँ पे है और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो निफ्टी को तो ये 9046 का लेवल है, और आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा फिर 38। सो 9056 के आसपास का इसका वहाँ पे जो 50 मिनट का रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर वाला, ये वाला। सो आपने एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे तो हमने शॉर्ट कर दिया, अगर मार्केट नीचे जाता है तो अच्छा है, हमें तो चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन अगर हम गलत होते हैं तो कहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस हिट करेंगे? तो दो चीज़ें, एक ये जो 50 मिनट का मूविंग एवरेज है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, या दूसरा आप ये बोल सकते हो कि अगर MACD फिर से बाय में आ जाता है, तो MACD अगर फिर से बाय में आता है तो भी आप आपका स्टॉप लॉस का पोजीशन कवर कर सकते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन। तो चलो 9044, 9045 के पास हमने शॉर्ट कर लिया, अभी देखेंगे वो जो भी होता है। और इसको कवर करने का भी ऑर्डर आपको, जैसे यहाँ पे ये लेवल
9036 के आसपास मार्केट एक बार आके गया है। तो आपको कवर करना है तो 44 का 34 या 10 पॉइंट के लिए करना है तो आप लगा के रख सकते हो, नहीं तो अगर आप उतनी कैपेसिटी रखते हो कि और नीचे आके आप होल्ड कर सकते हो और नीचे तक रुक सकते हो, रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो दैट इज़ एन इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन। चलो लेट अस गो टू द अदर फीचर्स ऑफ, इसको बंद कर देंगे, ये सॉफ्टवेयर में और कई सारे फीचर्स हैं। हाँ, जो एक नॉर्मल स्क्रीन होती है, जो एक नॉर्मल स्क्रीन होती है किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल की, उससे ये काफ़ी फ्रेश है, उससे काफ़ी अलग है। कई सारे इसमें फीचर्स हैं और बड़ी निम्बल टाइप है। जो ट्रेडिशनल जो स्क्रीन होती है, जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने वो ट्रेडिंग टर्मिनल देखे होंगे, ब्रोकिंग रूम में जाके, ट्रेडिंग रूम में जाके जो वहाँ पे होते थे, वो टिपिकल ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उस पर रेड ब्लू कलर के वो दिए जलते हैं, उससे काफ़ी फ्रेश, उससे काफ़ी निम्बल, उससे काफ़ी फास्ट ये लग रही है। जैसे यहाँ पे जैसे वन ऑफ द थिंग्स इसकी, यहाँ पे वो लाइव स्कैनर करके इन्होंने एक फ़ीचर दिया है, ऑन अ रियल टाइम बेसिस वो बताते रहता है कि कौन से। ये सारी जो फीचर्स हैं, सी आपको जब मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये सारा डेटा आते रहना चाहिए। अब इसके लिए आप वो महंगे सॉफ्टवेयर लेंगे, हम में से हर कोई ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स ले नहीं सकता, या फिर टीवी चैनल पे आएगा तो फिर वो सब आएगा, फिर आप आधा ध्यान उधर दोगे। यहाँ पे आपको सब कुछ ट्रेडिंग टर्मिनल पे मिलता है। तो ये कुछ जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भारती ने नया लो बनाया, सिप्ला ने नया लो बनाया, निफ्टी फार्मा ने नया लो बनाया। लेट अस जस्ट एक एक करके देखते हैं कि सिप्ला का डबल क्लिक करके आप देखो, डबल क्लिक करो सीधा चार्ट यहाँ पे अपने आप बन जाएगा, एंड आप हमारा जो अपन ने लोड करके रखा है लोड टेम्पलेट, अपनी टेम्पलेट है, क्या हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देख सकते हो MACD यहाँ पे 626 628 का यहाँ पे है। अब ये वैसे तो काफ़ी नीचे आ गया है, टिपिकली इतना नीचे आने के बाद बहुत बार इच्छा होती है शॉर्ट करने की और कभी कभी मोमेंटम में मिल भी जाता है, पर आपने रुकना चाहिए कि जब ये थोड़ा सा ऊपर आए और 628 या 630 या समथिंग कुछ जो भी है, अभी एग्जैक्ट हम देख नहीं सकेंगे, पर द पॉइंट इज़ कि आपको कम से कम इमीडिएट आपको मिलते रहेगा कि कौन से स्टॉक में किस टाइप। अच्छा, दूसरी बात, ये मार्केट जब मंदी का है उसमें टिपिकली आपने तेजी के सौदे नहीं करने, जब ओवरऑल मंदी है तो मार्केट ही, अगर आपका निफ्टी थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है तो जनरली फिर जो बेरिश वाले हैं वहाँ पर आप ट्रेंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसमें कि ऑन अ रियल टाइम बेसिस, अभी सिप्ला फार्मा निफ्टी फार्मा चल रहा था, अभी TCS आ गया, सो एक के बाद एक स्टॉक से यहाँ पर आपको देते रहते हैं। इसको बंद कर देंगे। कई सारे फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स के बारे में अभी एक ही फीचर्स पर कितना देर बात करेंगे। कौन से स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेचा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रीच किया, वी वांट दो स्टॉक्स। जैसे ये जो ग्रीन है तो रेजिस्टेंस यानी ऊपर होता है, आप इसको जब ब्रीच करते हो तो वो रेजिस्टेंस ब्रीच किया, ये सपोर्ट यानी नीचे होता है, तो ये जब ब्रीच किया दैट मीन स्टॉक और पिट सकते हैं नीचे, ये जब ब्रीच किया तो दैट मीन स्टॉक और ऊपर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, आप कहीं पे भी डबल क्लिक करो आपको चार्ट खुल जाएगा और फिर आप उसके ऊपर वो टेम्पलेट्स लगा के, से यहाँ पे अगर आपको लगाना है, हमने ये वाला लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी यही लगाना चाहिए, अब आपके हिसाब से बना सकते हो। हमने एक EMA और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, 3, 8, 21, 50, 200, और MACD का जो है देखिए ऑन अ 5 मिनट चार्ट ये यहाँ से तेज़ी में आते हुए दिख रहा है, और अच्छा ये कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है हो जाएगा कनेक्ट, और यहाँ पे दिस MACD हैज़ जस्ट यहाँ से ये MACD ऊपर जा रहा है, सो बाय का सिग्नल दिया है, सो प्रोबेबली आप यहाँ पे ये स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगेन जब मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश लग रहा है उसमें क्या आपको लॉन्ग करना है, पर वैसे ये पर्टिकुलर सेटअप बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन द सेंस दैट कि सारे कैंडल्स जो हैं आपके वो MACD पे सपोर्ट, सॉरी मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रहे हैं, तो शायद ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे MACD ने भी हायर बॉटम बनाया है, MACD ने यहाँ पे जो बॉटम बनाया था और प्राइस भी ऊपर गया है और साथ ही साथ MACD भी ऊपर गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें
दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, एक अच्छा इंडिकेटर चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए जो रियल टाइम आपको ये सारी चीज़ें बताता रहे, और दूसरा आपको वो सारी चीज़ें पता भी रहनी चाहिए कि ये जब ऐसे चित्र दिखते हैं लाल लाइन और नीली लाइन तो इसका मतलब क्या होता है। सो बोथ द थिंग्स आर देयर, अपॉर्चुनिटीज़ तो बनते रहेगी, अभी एक के बाद एक कितने सारे स्टॉक्स देखेंगे, बट दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स। वॉल्यूम्स डिलीवरी के लिए बहुत काम में आएगा, किसने ज़्यादा वॉल्यूम दिया ऑन अ रियल टाइम बेसिस, नहीं तो आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, टीवी पे रहा देख रहे हैं। वॉल्यूम क्यों काम में आता है, अगेन चार्टिंग में आप देखो कि कोई भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब है वहाँ पे कुछ तो भी एक्साइटिंग हो रहा है, वाई क्यों वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस नहीं बढ़ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कहा जाता है कि वॉल्यूम इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर, कि पहले वॉल्यूम बढ़ते हैं और बाद में प्राइस बढ़ता है। सो देयरफॉर आपको अगर दिख रहा है कि किसी स्टॉक में अनयूजुअल वॉल्यूम्स हैं तो यहाँ पे क्या चल रहा है ये आप देख सकते, फिर बाद में आप उसमें और पढ़ाई कर सकते हो, उसमें और चार्टिंग में कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो इनका सॉफ्टवेयर दे रहा है। अलग अलग टाइप के व्यूज़ आप लगा सकते हो, ये भी एक नई बात है, जो टिपिकली जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ अ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ अ थिंग। व्हाट आर द वेरियस वर्कस्पेस का एक ऑप्शन है, जैसे एक आपने डैशबोर्ड जो स्टैंडर्ड है इनका, न्यूज़ आते रहती है उसमें, यू कैन यूज़ दैट, मार्केट पता चलते रहता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइव स्कैनर मार्केट ब्रेड डायनामिक्स ये सब मिलते रहता है। आपको कोई चार्ट चाहिए आप यहाँ पे चार्ट ड्रैग ड्रॉप कर दो, लेटेस्ट से एक्सिस बैंक आपको चाहिए, एक्सिस बैंक आ गया, बजाज ऑटो, आप जो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे चार्ट आ जाता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली न्यूज़ आते रहती है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जैसे अभी 2:06 हुए और 13:51 को बिजनेस स्टैंडर्ड की कोई न्यूज़ आई है COVID-19 से रिलेटेड। सो पॉइंट इज द सॉफ्टवेयर इज़ फिल्ड विथ लॉट ऑफ इनपुट्स, ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन से कैसे इसमें आपको, जैसे एक वर्कस्पेस का ऑप्शन यहाँ पे है जो हमने पहले देखा था कि जिसमें चार चार्ट्स अवेलेबल है, दो चार्ट्स हमने लगा के रखे हैं और दो चार्ट्स आपको कोई लगाने होंगे, मान के चलिए आयशर मोटर आपको लगाना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, वो आ जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स विच आर देयर फॉर द, किसी को अगर ट्रेड करना है और किसी को अगर देखना है तो ये डार्ट स्टॉक के साथ इनका जो टाइप है ट्रेड स्मार्ट का। हाँ, हमने एक पोजिशन ली थी, वो देखते हैं उसका क्या हुआ। सो हमने जब भी वो चार्ट बंद कर दिया था, लेकिन फिर से अगर आप केवल निफ्टी को डबल क्लिक करके फाइल लोड टेम्पलेट, हमारी जो टेम्पलेट थी इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ, तो हमने जो लगभग 43-44 पे कुछ शॉर्ट किया था, ये अभी 25 पे आ गया है। सो अगेन द पॉइंट इज कि आपने यहाँ पे जब डिसीजन लिया, सी अब यहाँ पे अब जब आपका निफ्टी ऑलरेडी इतना नीचे आ गया है, जैसा हमने वो शायद सिप लाया किसी में था, कि हमारी इच्छा होती है कि अब शॉर्ट करो क्योंकि वो इतना नीचे आ गया, ये सही टाइम नहीं रहता है शॉर्ट करने का। आपको अगर शॉर्ट करना होता है तो जब यहाँ पे जस्ट उसने दिया है, जो अपने वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में था कि जस्ट उसने जब सेल का सिग्नल दिया है तब आप एंटर करें। सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग करना है तो जब यहाँ पे सिग्नल आता है तब लॉन्ग करो, सो दैट आपको वो रैली मिलती है। नाउ यू आर वेरी सेफ, हमने कुछ 43-44 पे शॉर्ट किया था एंड इट्स गोइंग डाउन, कितना हो गया अभी ये, हाँ यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। सो आप तो अभी 9,000 बैठे 5 मिनट में सॉफ्टवेयर देखते देखते आपको 10-20-30 पॉइंट मिले। अभी आपको जहाँ पे कवर करना है आप कवर कर सकते थे, 40 पे आपने शॉर्ट करके रखा है। हाँ, एक और बात हमने जब भी बोली थी कि अगर आप उतनी कैपेसिटी रखते हैं नीचे तक आने की तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो आपका पोर्टफोलियो साइज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। पीटर लिंच की एक लाइन है, उनका बोलना है कि आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड अ स्टमक विच कैन डाइजेस्ट द वोलेटैलिटी। तो ये जो, और यहाँ पे हमने एक गिरते बाजार में प्रॉफिट ट्रेड बनाई है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसके ये डेली चार्ट देख लो, ये डेली का चार्ट है निफ्टी का, और ना डेली चार्ट आप देख लो, मंदी में है
3821 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा है 21 डे मूविंग एवरेज के, तो आप ट्रेड करते समय सिर्फ अभी सेल सिग्नल दिया चलो चलो सेल करो, ये सही नहीं रहेगा। आपने हरदम थोड़ा सा पीछे की पढ़ाई करके आना चाहिए। अच्छा ये स्टॉक में आया चलो ये स्टॉक में करो, वो स्टॉक में आया चलो वो स्टॉक में करो, इस तरह से ना करते हुए पहले से प्रिपेयर करके अगर आप आएंगे तो देन यू विल बी ऑलवेज नोइंग कि, इसलिए हर एक स्टॉक के पीछे भाग के मतलब नहीं है। आप आपकी पढ़ाई तैयार रखो कि किस में करना। जैसे निफ्टी में डेली चार्ट में वो क्लियरली सेल का सिग्नल आ रहा है, MACD में भी सेल का सिग्नल है और मूविंग एवरेजेस भी एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबली ये वायरस के कारण इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ पता है तो तब बहुत ज़्यादा तेज़ी करने में कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसके लिए फिर आप एंटर करते हो तो एक माइंडसेट बना के, और ये तो बड़ी प्यारी एक चार्ट बनाए कि MACD ने जस्ट सेल का सिग्नल दिया है, हमें पता है कि मार्च में तो मार्केट कितना नीचे गया था, तो उसकी तुलना में अभी हम कहाँ पे, मार्च के लोज़ हैं आप देख सकते हो 7800, तो 7800 की तुलना में तो अभी हम 9000 के आसपास है, 9100, दैट मीन्स मार्केट को फॉल करने के चांसेस ज़्यादा है, डाउनसाइड ज़्यादा है। सो ऐसे इतनी जब आप प्रिपरेशन, ये तो सिर्फ डेली चार्ट है, आप चाहो तो वीकली चार्ट देख लो, वीकली में भी वही है, मंथली चार्ट्स में भी मंदी है, तो जब आप हर एक इससे प्रिपेयर करके फिर जब आप आते हो तो आपको दिन में फिर हर एक बार ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। जैसे यहाँ पे आपने मान के शॉर्ट, हमने जब ये वीडियो स्टार्ट किया तो यहाँ पे जस्ट निफ्टी ने सेल का सिग्नल दिया था और ये कुछ 9040 9044 का भाव चल रहा था, आपने शॉर्ट किया, आप रुके रहे और उसके बाद जूम इन जूम आउट, अगेन ये एक और फीचर है जो दिख गया अपना, तो सॉरी हमें इतना पार्ट चाहिए, ये इतना पार्ट है जितना हम जब से बात कर रहे थे। सो हमने जब वीडियो स्टार्ट किया तब यहाँ पे निफ्टी 41-42 पे कुछ था, हम लोग यहाँ तक रुके रहे, वी वेटेड फॉर दिस, व्हाई, बिकॉज दिस इज़ वेयर योर एवरेजेस आर देयर। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट ऊपर, उसके बाद ये पूरा नीचे है, अब आप चाहो तो कवर कर लो यहाँ पे 9017, बहुत आपको 40 पे बेच के 20 पे कवर कर रहे हैं आप, यानी कि 20 पॉइंट आपको 3-5 मिनट में मिल गए। एक दो अच्छे ट्रेड्स अगर आपके हो गए मार्केट में तो आपको बाद में पूरा देर मार्केट में बैठने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना होता है, अभी और इसको नीचे जाएगा नीचे, या फिर अगर आपने 10 लॉट शॉर्ट किए होंगे तो एक एक कवर कर सकते हो, जैसे ये तो दिख ही रहा है और नीचे जा रहा है, बट ठीक है, दैट इज़ नाउ दिस इज़ हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग द मार्केट की, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो, नीचे 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 आते रहो, वो खैर हर एक ट्रेडर के अपने अपने ये होता है, सबके बस की बात भी नहीं है ये, पर अगर आप करना चाहते हो तो एक डिसिप्लिन के साथ करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता रहना चाहिए, आप यू शुड बी नोइंग कि आप किस में पैसा डाल रहे हो। हर एक यानी कोई भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल गई इसलिए हमने वो स्टॉक में पैसा डाले, वो स्टॉक में पोजिशन ले ली, ये करना गलत रहेगा। आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, फार्मा क्या होता है पता नहीं, फार्मा में ट्रेड्स कर रहे हैं, अच्छा स्टॉक्स उतने लिक्विड भी होने चाहिए, तो निफ्टी इज़ अ गुड थिंग, आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, आप निफ्टी फ्यूचर्स लगा दो यहाँ पे, द पॉइंट इज़ आपको चार्ट्स और इमोशंस दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छा रहना चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही इसका देखा फीचर, सो अपार्ट फ्रॉम दैट इनके इसमें और कई सारे फीचर्स हैं। आप एक बड़ी अच्छी बात ये है, डिस्क्रिप्शन में दिया भी है कि मनीबी के व्यूअर्स के लिए इनके कुछ स्कीम्स हैं, जैसे अगर आप रेफरल करेंगे तो आपको कुछ इंसेंटिव्स रहेंगे, ब्रोकरेज से रिलेटेड कुछ इंसेंटिव्स हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप अगर इनके यहाँ पे अकाउंट खोलते हो तो मनीबी को उसमें ब्रोकरेज में से कुछ भी इनकम नहीं मिलने वाला है। हाँ, दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके ट्रेड से मनीबी को ब्रोकरेज इनकम ऐसा कोई लिंकेज इसमें नहीं है ये वाले वीडियो में, तो ये बताना बहुत आवश्यक है। आप डायरेक्टली जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं आप उनसे टच कर सकते हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इज़ अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर,
द वे दे हैव मेड दीज थिंग्स, इतनी सारी जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें, रिसेंट FIIs ने क्या क्या किया, बल्क डील, ब्लॉक डील, सारी 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 जो भी चीज़ें काम की आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि कौन से इसमें क्या चल रहा है. सो कॉस्पी क्या कर रहा है, निके हैंग सेंग से SGX क्या कर रहा है, सारी सारी सारी. सो देयरफॉर आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो मे बी नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं. पर अगेन, पढ़ाई करे बगैर कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर क्यों ना, और ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर में इनकी गिनती आएगी, तो कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, जब तक आपकी खुद की यहाँ का सॉफ्टवेयर जब तक तेज नहीं है, तब तक बाकी सारे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स कुछ बहुत काम में नहीं आएंगे. तो चलिए, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. टेक्निकल एनालिसिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पर जो फंडामेंटल का डेटा दिया रहता है, कुछ कुछ आपको मिलते रहेगा, कहीं कहीं से न्यूज़ आते रहेंगे. फंडामेंटल्स भी देखते रहिए, टेक्निकल्स उसके बात करिए, पोजीशंस, ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है. अगर ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा सोच समझ के करिए. पैसा बनता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से. मार्केट जब नीचे जाता है तब आपने बाय करना चाहिए, हेजिंग करो. ट्रेडिंग करने से और कुछ तो भी अंधाधुंध ट्रेडिंग कर लिया उससे अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है हमने अभी पढ़ाई के लिए किया, लेकिन पोर्टफोलियो बनाओ, उसको हेज करो लॉन्ग पुट्स के साथ, शॉर्ट कॉल करके आप उसको फंड कर सकते हो. अगर आपको उतनी सारी चीज़ें पता है, ये सब समझ, तो वो सारा भी डेटा आपको इसमें से मिल सकता है. डेरिवेटिव से रिलेटेड भी, F&O एनालिसिस का भी यहाँ पे इन्होंने दिया है बहुत सारी चीज़ें, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो. ऑफकोर्स आप इनके ऑफिस में अगर इनके जो नंबर्स हैं इनसे बात करेंगे तो दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर अबाउट दिस. बट दिस इज़ द सॉफ्टवेयर एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. डाट स्टॉक के साथ इनका टाई अप है, ट्रेड स्मार्ट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी. इन्होंने हमारे साथ टाई अप किया, हम तो चाहेंगे कि इनका बिजनेस बढ़े. अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम चाहेंगे कि आप ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, जो भी है, यू ऑल्सो मेक मनी. एंड इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में लिखिए, इनको भी लिखिए. बिकॉज जब पूरा का पूरा सिस्टम में जब सब लोग पैसे बनाएंगे, तभी दिस होल सिस्टम एंड कॉन्सिक्वेंटली द इकोनॉमी कैन ग्रो. सो आप हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. ट्रेड स्मार्ट डाटा स्टॉक डाट स्टॉक के साथ टाई अप हुआ और इन्होंने हम पे विश्वास रखा, इसलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे के वीडियोज़ में भी ऐसा ही कुछ तो भी इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आपके लिए. नमस्कार.